नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र पथरिया, आप देख रहे हैं वाईटी मीडिया। मैं हूं इस समय बांके बिहारी कोल फरुखाबाद में और ये हमारे साथ है रघुनाथ जी। आज कितनी क्या बिक्री कर दी है आज? आज 1000 लोग कम से कम हुए। 1000 रुपये की? 1000 तो हुई है। अच्छा, कैसे बाजार रहे आज? बाजार देखो 350 रुपया से लेके 401 रुपया। अच्छा, 350 रुपया से लेके 401 रुपया पैकेट विद कोल्ड वाले? विद कोल्ड वाला। अच्छा, ख्याति पुखराज। हाँ, आज बाजार कुछ टाइट है क्या थोड़ा सा? हाँ, वैसे दो तीन दिन से पहले से 10-20 रुपया टाइट ही है, 10-5 रुपया पहले से। वही 371 पहले नहीं ज्यादा बिक रहे, 371 रुपए तक बिक रहे, 71-81 रुपए के बस, 10-15 रुपए। अभी ये एक दो दिन से ये बिक रहे हैं, मतलब बढ़िया आलू 400 रुपया। कातिकार आई नहीं रहता है, आज आइए तो बिक गए। अच्छा, अभी दो दिन से बिक्री हुई? दो तीन दिन कतई बिक्री नहीं हुई, कतई बिक्री नहीं हुई, बस चिप्सोना बेचते रहे बस। अच्छा, चिप्सोना कैसे बिक रहा है? चिप्सोना भाई 600 रुपया दो तो आपके सामने। मीडियम साइज तो मीडियम था उसका, ज्यादा मोटो बढ़िया नहीं तो। हाँ, सही है, रंग को बढ़िया तो। अच्छा, रंग का तो बढ़िया था, रंग का बढ़िया तो। अगर मोटा हो तो? तो भाई 10-5 और बढ़िया है। अच्छा, 620 के ऊपर नहीं बिक रहे, मतलब 600 रुपया, 550 लेके 600 मानो। अच्छा, वैसे जो अच्छो आलू है 10-5 बढ़िया ना नहीं। अच्छा, 550 लेके 600 समझे पैकेट, पैकेट वो भी 53 किलो के हिसाब से बिकता होगा? 53 किलो दागी बात बाबू। अच्छा, दागी बात दागी सब में ही बात है। हाँ, दागी सब में, लेकिन चिप्सोना में तो ज़्यादा दागी निकलता नहीं है ना, जो निकले। हाँ, तो आज इनमें क्या रेट बिके, कैसे गए? ये 401 रुपया ये दो लाट है। ये देखो जो लाट बढ़िया है, एकदम ख्याति की, एकदम मोटा आलू है और कोई चेचक वेचक इसमें नहीं है, जो एकदम बढ़िया आलू है ये बिका है 401 रुपया पैकेट, 53 किलो के हिसाब से विद कोल्ड वाड़े के। कोल वाला 122 रुपया ना? हाँ, वो ये चेचक वाला है। 351 रुपया ये बिका है, 351 रुपया पैकेट। देखो पैकेट ये टाट का है, इसमें भी टाट का ही है ये, और ये 351 जाली में, 351 रुपया पैकेट ये चेचक वाला है ये। हाय भाई ख्याति, ये 351 रुपया जाओ जाली में। अच्छा, 351 रुपया, इसमें भी चेचक है? हाँ, जाली चेचक इसमें भी, ये जाली है। हाँ, अच्छा ये जाली है, जाली है, मीडियम की वजह से बिक गया होगा, इसमें साइज मीडियम थोड़ा सा। और एक वो 365-61 रुपया बिकी। अच्छा भैया, चेचक वाली पड़ी। ये बीजा क्या रेट, जो बीजा काफी कटा है आपके यहाँ कोल्ड में? बीजा हम लोगों ने तो पैकेट देता हुआ, देखो पैकेट से ऐसे गीला गीला क्या कुकरा दिया, 450 लेके 500 रुपए, 450 से लेके 500 रुपया पैकेट, पैकेट बीजा। ख्याति दिया 325 लेके 350। अच्छा, ख्याति 325 लेके 350 रुपया पैकेट। हाँ, मतलब हुंडा में ऐसे ही पैकेट, ऐसा ही 1 किलो दागी कटे पैकेट बस। ये लाट बिकी 350 रुपया, देखो ये चेचक वाली लाट है, ये 361 रुपया जो ये बिकी है, 361 रुपया पैकेट। और ये बीजा पुखराज का है? हाँ जी, पुखराज का बीजा। ये देखो पुखराज का बीजा है, बीजा की बिक्री इस टाइम पे अच्छी खासी हो रही है, इस कोल्ड में काफी बीजा कटा है, इधर ऊपर भी कटा है बीजा, नीचे भी कटा है। ये बीजा पुखराज वाला 450 से लेके 500 रुपये पैकेट, 450 से लेके 500 रुपये गीला गीला गीला, इसमें मतलब छटाई बिटाई कुछ नहीं, सीधा सीधा 1 किलो पैकेट दागी का। और जो बैसेज बता रहे 1400 रुपये कुंतल बिक रहा है, वो सूखा बिका 1350-1400 रुपया। अच्छा, 1350-1400, मतलब इसमें फिर छटाई भी नहीं होगी, उसमें छटाई भी ना, मोटा निकलेगा फिर उसमें से। अगर ये 1350-1400 बिकेगा तो ऐसा मोटा आलू जो है फिर हरियादी उन्ना ही बिका 1350-1400 निकल जाएगा, और आपका ये जो इसमें जो महीन भुन्नी होगी ये, मतलब ऐसे महीन आलू जो होंगे ये निकल जाएंगे, और 5% कटेगा, और कटाई भराई सब खर्चा इसी पे तो। अच्छा, फिर वो खर्चा सब उससे लगेगा, 1450-1700-150 रुपये खर्चा आ जाए। अच्छा, 150-150 रुपये उस पर खर्चा हो जाए। हाँ, आज जो 50 किलो पैकेट पैटत ना है, कोई तोलना ना इसकी हो। अच्छा, नहीं ले गई ये 550-550 में सीधा पैकेट, सीधा 450 से लेके 550 रुपये। और ख्याति वाला? ख्याति 350-350 पहले भी ले दे, अब 300 रुपये मांग रहे हैं ख्याति का बीजा। बीजा बीजा, चलो अब नीचे चलना होगा। हाँ, नीचे इधर से ही निकल लो, चिप्सोना वाला देख लेंगे जरा। सोना, हाँ देख लो बीजा, देखो काफ़ी कटा है, इधर ऊपर भी कटा है बीजा, उधर पीछे भी बीजा, उधर ऊपर कटा था और बीजा नीचे भी कटा है, अभी नीचे भी देखते हैं। ये देखो पुखराज का बीजा, क्या परेशान तुम यार, हम खाई जब कहते ही तुम बरामदे में परेशान काहे को, बीजा जब जाली को भाव है फिर का। और ये है चिप्सोना, चिप्सोना शुगर फ्री है, ये क्या रेट बिका था? 601 रुपया, 601। और वो पहले वाली लट वो भी 601, एक ही कातिकार की है। अच्छा, तीनों लट 601, 601 की बिकी है, देखो 601 रुपया पैकेट बिकी है, ये 5 रुपया वाले की, चिप्सोना शुगर फ्री है। और
इधर बाली जो है जब गुल्ली ज्यादा आता है 5 रुपया कम 95 की है, 595 की है। अच्छा ये 595 रही, बीजा ज्यादा आ जाता। अच्छा इसमें थोड़ा मीडियम बैठ रहा है, ये 595 रही, 595 रुपया पैकेट। बहुत 601 और ये 601 रुपया पैकेट। 601 आओ आगे चले उधर। चलो किसका था आपका, आपका कौन सा आलू बिका था? आप बीजा बेचो तो सही, क्या आप बेचो बीजा? ये 381 461 रुपया पुखराज। अच्छा सीधा पैकेट से गीला गीला 461 रुपया। इधर देखो पुखराज का मोटा आलू है, ये 381 रुपये 381। ये देखो पुखराज है, चेचक भी है। हाँ पुखराज है, इक्का दुक्का इसमें चेचक है, 381 रुपया पैकेट भी का टाट का बार देना। ये हाईलैंड वाले बिके कि नहीं बिके? हाईलैंड बिकी जा, जा वाली बिकी हाईलैंड का था बिकी जा 50-31 सब घुंगिया भाई है सब। हाँ खराब आलू है भाई, खराब जाली में 431 रुपया बिका ये हाईलैंड समझो। हाँ अच्छा नहीं है, इसमें चेचक भी है, जंगीला भी है, 550-550 बढ़िया आलू। हाईलैंड क्या रेट समझे? 550 का बजट मानो, 550 रुपया। हाँ बढ़िया आ गया तो। अच्छा आओ इसे सवा 500-500 जैसे भी किया है। अच्छा अच्छा तुम लोग के भी आलू बिचे क्यों भैया? तुम लोग के भी बिचे? कौन सा बिका? ख्याति क्या रेट बिका? 351 वाला था ऊपर बताओ। अच्छा ऊपर ऊपर चेचक वाली ना उधर पड़ी। और भाई होने की बात ही जाली में दोनों लाटे थी। अच्छा 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 वो तो ऐसा था इसकी तरह इसमें हरा है। जहाँ में हरोत बाद हुए है ये वाला हाईलैंड नहीं बिका 371 ना पौना ही जो ना बिको जे 371 जाली में। हाँ अच्छा ये बिकी देखो 371 रुपया पैकेट विद कोल्ड वाले के, कोल्ड वाला 122 रुपया ना। हाँ जाली में है जे। अच्छा और आगे कुछ लाटे हैं देखो नमस्ते भे नमस्ते। इधर देखो ये 5-6 लाटे हैं जो 401 रुपया की है। हाँ इसमें देखो ये बढ़िया जो आलू हैं जो एकदम बढ़िया चमकदार हैं, मोटे हैं और जिसमें कोई चेचक वेचक नहीं है, ये तो बिके हैं 401 रुपया पैकेट। और टाट का बारदाना है ये जूट में 375। देखो इसमें चेचक वेचक है, ख्याति है सब और चेचक वेचक है ये 351। हाँ ये जाली वाली है देखो और 361 रुपया पैकेट भी की है। ये वाली जैसे दोनों जैसे ये है पुखराज एक ख्याति है लग गया ये तो पुखराज ही लग रहा है, पुखराज है ये भी 85 रुपया ये दोनों। हाँ जब दागी ज्यादा है अच्छा दागी बाद हो जाएगा, ये दागी बाद होगा। 385 रुपया पैकेट भी की है ये और बारदाना ये टाट का है। और जाओ था 350-360 रुपये महंगी बने दही ना है मैंने छोड़ा। ये कितने महंगी थी? 361 रुपया की है। 361 रुपये पुखराज है ये, पुखराज है तो पुखराज है। अब बिकी नहीं? नहीं बिकी। अच्छा साथ ना ही कर दी तुमने। निकासी कैसी हो गई अब तक? निकासी भैया आलू ज़्यादा ज़्यादा समझो 30% भीतर ही हुए अभी निकासी, जहाँ महीना भर में 30% भले हों सब कुल हमारे में 30 निकली हो मगर और ना कोई नहीं हुआ। नहीं नहीं 28 हुई यहाँ कोल्ड में निकासी बढ़िया रहती है हमेशा 28 हो 27-28 ऐसी हुई है 27-28% निकासी मतलब काफी कम है। अब कातिकारी कहते ही नहीं कातिकार मिल तो चूना वो का नहीं लौटिया तो हाल मिल क्या मतलब आगे बाद फिर और फिर भी ये अच्छे आलू 2-3 400 रुपया बिक रहे हैं, 370 रुपया बिक रहे थे। हाँ 370-380 बिकते बहुत। और जो चेचक एचक वाले जो तो कोई 350 में 350 बिक गए वो 250 रुपया मांगे जा रहे थे। और 250 रुपया मांग रहे हैं, 250 रुपये में तो कुछ बचेगा ही नहीं, 250 रुपये तो कोल भाड़ा उसका खर्चा निकाल के बराबर हो जाता है तो अब देखो बाजार ये स्टेबल रहे कि ना रहे क्या हो ना। अब तो खैर उसे जो है उम्मीद तो जो है जैसे अब चलते रहे बाद में कुछ हो अब जाओ उसे मध्य हुई है फिर कहा बाद में आदमी बेचे नहीं तो फिके ही बाजार ऊपर नहीं है ज्यादा। लेकिन अगर 400 के आसपास भी अगर चलता रहे ना बाजार हाँ, तो लोग बेचते रहे तो बेचते लेकिन 400 के भीतर जैसे ही घुसता है ना तो फिर बेचने की हिम्मत नहीं पड़ती, फिर ऐसा लगता है कुछ बच ही नहीं रहा है। और कहा चलिए ठीक है साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।